पोस्टर का स्वागत है आपके साथ में, मैं हूं नामिका। देखिए, आज तारापुर विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब भी चुनाव हुए हैं तो महिलाओं की काफी ज्यादा भागीदारी रही है नीतीश कुमार को जिताने में। इस बार की बात करें तो मतदाताओं की भीड़ तो काफी ज्यादा दिख रही है, महिलाएं जो हैं वो महिला जो वोटर हैं उनमें भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तारापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय लोना परसा बूथ संख्या 121 पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली है और यही लंबी लंबी जो कतारें हैं वो कई बार नीतीश कुमार को चुनाव में जीत दिलाई है। आज सुबह 7 बजे से ही महिला मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने लगी और सभी लाइन में खड़ी होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग महिला से लेकर के युवाओं में भी वोटिंग को लेकर के गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। महिलाओं ने बताया कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करने के लिए आए हैं और बेहतर उम्मीदवार कौन है इसको ध्यान में रख करके ही वोट देंगे। आपको ये भी बता दें कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल जो है उनकी तैनाती की गई है। मतदान केंद्र के एंट्री पर ही पुलिसकर्मी तैनात और इसके अलावा मतदान केंद्रों के छत पर भी अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। क्यूआरटी की टीम भी लगातार गश्त कर रही है। 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी जो है वो भ्रमणशील है। तो जो तैयारियां थी, जो जायजा लेना था, वो कल तक तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज मतदान जो है, अभी तक मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तारापुर सीट जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री मेवाला चौधरी के निधन से खाली हुई थी। जेडीयू से राजीव कुमार सिंह, आरजेडी से अरुण कुमार साह और कांग्रेस से राजेश मिश्रा उम्मीदवार है। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में 26 प्रत्याशी मैदान में थे। 317,340 मतदाताओं में से 174,547 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। जदयू के मेवालाल चौधरी को 64,468 मत मिले थे और उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी आरजेडी को दिव्या प्रकाश को 57,243 मत मिले थे। 2020 में यहां से आरजेडी को 33.09% जबकि जेडीयू को 37.26% वोट मिले थे। 2005 की बात, तारापुर विधानसभा सीट से एलजेपी कभी चुनाव नहीं लड़ी। 2010 और 2015 में एलजेपी यहां से दावेदारी नहीं पेश की थी, लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने यहां से उम्मीदवार दिया था और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को 6.51% ही वोट मिले थे। बिहार में सियासी घमासान मचा है और सभी के सभी राज्य